नमस्कार, मैं प्रियंका। जैसा कि गाजीपुर बॉर्डर पे आंदोलन होते होते 100 दिन से ऊपर हो चुके, कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है भीड़ भी कम हो रही है। कैमरा मैन से कहूंगी पीछे भी दिखाएं, भीड़ कम ही हो रही है। और हरिंदर जी आप बताइए, जैसा कि स्टी मीडिया में भी दिखाया जा रहा है भीड़ कम हो रही है, हमें भी लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे भीड़ कम ही हो रही है। देखिए समय देखो आप, किस समय पे तुम ये कर रहे हो, और इस समय मंच का संचालन बंद है। तो अब यहाँ सब यहाँ बैठेंगे, शाम के खाने का समय हो रहा है, आज चलो लंगर पे मेरे साथ, सब खा रहे हैं और आपको सब इनमें ढेरों में दिखा। चलिए हम चलते हैं, हमारी भीड़ को ही दिखाते हैं आपको। अभी एक सेकंड खड़े हुए हैं, चलिए और एक सेकंड में देखो कितने आप दिखाए, कैमरामैन दिखाओ दिखाओ, देखो देखो दिखाओ इधर को, ये कौन खड़े हैं, या तो मैं कैमरा पकड़ लूंगा, वरना अगर ये दिखाओ इधर दिखाओ, ये भीड़ नहीं है जो पहले भीड़ होती थी वो है, जो पहले भीड़ होती थी वो है। आप चाहोगे कि सारा किसान यही रहे, खेती करना बंद कर दे, बताओ खेती करना बंद कर दे। जब पहले से एक डिसाइड हो गया तो यहाँ पे एक लिमिटेड भीड़ रखी जाएगी, और फैक्ट्री में जैसे शिफ्ट चलती है तो उस तरह, क्या तीनों शिफ्ट की भीड़ है किस लाओगे? सरकार कुछ करे तो वो राजनीति, आप करें तो राजनीति नहीं, वो राजनीतिक है, राजनीतिक चंदा लेते हैं, राजनीति का पैसा खाते हैं, हमारे टैक्स का पैसा लेके चलते हैं। सरकार भी तो कह रही है यहाँ आंदोलन में जो खाना बन रहा है, लंगर चल रहा है, उसका भी फंड बाहर से फंडिंग आ रही है आपकी, तो डूब के मर जाए देश का प्रधानमंत्री और डूब के मर जाए वित्त मंत्री, सेना तुम्हारी, RBI तुम्हारा, CBI तुम्हारी, ED तुम्हारी, सेना तुम्हारी, तो फिर फंड आ कैसे गया? सब सरकार का है, तो जब आपके आंदोलन में कुछ होता है तो सरकार को जिम्मेदार क्यों, तो आप उसकी जिम्मेदारी तो लीजिए। आज तो रुक जाओ, आज तो सारा मोदी का चिट्ठा लेके बैठा हूँ इसमें। 2013 में यही मोदी बोलता था कि सेना तुम्हारी, सुरक्षा तुम्हारी, तो फिर ये यहाँ कैसे आ गया? आज मैं भी खोल देता हूँ, लीजिए दिखाइए और इस पर दिखाइए जनता को। यकीन मानिए आज एक पुराना वीडियो मिला है, बहुत ही शानदार वीडियो है, वीडियो मोदी जी का है, ये वीडियो तब का है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इन नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहाँ से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है, और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है, सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजेक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, RBI के अंदर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि यह जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? मैं दिखा रहा हूँ देश के नरेंद्र मोदी की, कि जब ये प्रधानमंत्री नहीं था दूसरी सरकारों को कहता था, आज ये प्रधानमंत्री है तो फिर आज धन कैसे विदेश से बनाना चाहते हैं, आप ही बता दीजिए क्या। तो अगर एक चीज, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जब दूसरे पे उंगली उठाते हो, अगर मैं एक उंगली आपके तरफ उठाता हूँ तो तीन उंगली मेरी तरफ उठती है, ये उसको देखना नहीं चाहिए था? आज आईना देख कि 4 दिन पहले तू क्या कह के आया था और आज तू क्या कह रहा है, दिखा रहा हूँ मैं उसका आईना, उसी को दिखा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा। आपने तो एजेंडा फिक्स कर रखा है कि सरकार अगर कुछ भी करेगी आपको वो गलती लगना है। तुम ये चाहते हो कि सरकार जो फांसी का फंदा लेके आए, हम मुझे बता गले में था, इन 10 आदमियों ने अपना खेत दे दिया तो वो क्या करेगा, सारे रास्ते जोत देगा, क्योंकि वो तो अपना एक रास्ता बनाएगा, पानी के जो नाली आती थी वो भी खत्म कर देगा, जो खंबे आ रहे उसके खेत में से वो भी पाड़ देगा बिजली के, तो मैं क्या करूंगा, ना तो खेत पे जा सकता, ना पानी लगा सकता, ना बिजली आ सकती, जो अपनी ट्यूबवेल लगा लूं तो क्या करूंगा, ऑप्शन खत्म हो गया, मजबूरी में सरकार को रिमांड पे लिए बैठे हैं। हम सरकार को रिमांड पे नहीं ले रहे, हम सरकार को जानकारी दे रहे हैं कि हमारे गले में जो फांसी का फंदा डाला है इसे निकाल लो। अब किसान वहां खड़ा है कि फांसी का फंदा किसान के गले में है और उस पर खड़ा है तख्त पे, बस जल्लाद की कमी है तख्ता खेच लेगी, और वो तो जल्लाद अभी हम बनने नहीं देंगे किसी को। आप जैसा कह रहे हैं अब 26 मार्च को फिर से आप बंद कर रहे हैं, तो क्या हो गया बंद कर रहे हैं? आप देश की जनता को परेशान कर रहे हैं बार बार, क्यों भैया हम क्या राक्षस हैं इस देश में? आप बंद कर रहे हैं, आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, बहुत दर्द हुई आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, और 1 घंटे का रास्ता तय करके हम जाते हैं, अब 2 घंटे का रास्ता चलिए मेरे साथ, अभी देखो किसने बंद कर रखा है, उससे जाके पूछा तुमने,
कि ये तुम्हारे लोगों का कहना तो यही है कि आप लोगों ने बंद किया है। आप लोगों ने बंद किया है। कांटे वाले तार हमारे घर में बने हैं क्या? बताओ, ये बैरिकेड मारे हैं क्या? किसानों के बैरिकेड। और सरकार से अभी लिखित में दिलाओ कि अगर हमने बंद किए एक मिनट में खोल देंगे। सरकार लिखते दो के किसानों ने बंद कर रखे, हम खोल देंगे चल के। ये इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने जो जत्थेदार है उनसे बिना पूछे, बहुत बड़ी बात है। सरकार लिख के दो के रास्ते किसानों ने रोक रखे, अभी खुल जाएंगे। किसानों की वजह से तो रोके हैं ना आप, किसानों की वजह से। अब आए कि आपने रोक रखे, अब वजह पे आ गए। क्यों भाई, हमने को हमारी कौन सी वजह है? आप यहाँ धरना अगर मुझे कोई करेंगे तो सुनो, मुझे कोई परेशानी होगी मैं किसके पास? बैरिकेडिंग हट गई, आप दिल्ली में चले गए तो जैसा कि आप कह रहे हैं संसद पे जाएंगे, इंडिया गेट पे जाएंगे, खेती करेंगे। तो अगर संसद पे खेती करेंगे नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, इंडिया गेट नहीं जा सकते, पासपोर्ट लगेगा। बताओ, पासपोर्ट लगता हो तो बीजेपी अप्लाई करूं? कभी आप रेल रोकते हैं, कभी रोड बंद करते हैं, अब जा रहे हैं देश बंद करने, नुकसान किसका हो रहा है? देश की जनता को प्रॉब्लम हो रही है ना। और भैया हम क्या जानवर है, हम देश की जनता नहीं है तो बाकी मतलब हमें परेशान क्यों है? आप जनता तो आप सकते हैं, दूसरे जनता को परेशान क्यों करना? हम वो परेशान नहीं कर रहे हम उन्हें, ये लड़ाई इनकी हमसे ज्यादा है। उन्हें ये बताना है कि कल को अगर ये अनाज ताले में अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के यहाँ बंद हो गया तो हम तो अपना खा लेंगे, क्योंकि हम किसान हैं, साल भर का अनाज हम अपने घर में रखते हैं। आपने कहाँ से खाओगे 150-200 रुपए किलो? तो जिसको तकलीफ होगी खुद आंदोलन करके बैठ जाएगा। अच्छा, आप क्यों लड़ रहे हो? गया, जिसको तकलीफ होगी तो किसान को तकलीफ है, किसान रोड रोक के रहता। लोग तो अब इसे आंदोलन भी नहीं कह रहे, लोग तो ये कह रहे किसान यहाँ टाइम पास कर रहे हैं। लोग इसे आंदोलन का नाम हम नहीं दे रहे, टाइम पास का नाम दे रहे। जो भी व्यक्ति इसको टाइम पास कहता है वो अपना 15 दिन पल्ले वाली रोड पे टाइम पास करके दिखा दे। लोगों का ये कहना है कि फंडिंग से खाना आ रहा है, बस आप सुबह उठते हैं खाना खाते हैं और आंदोलन करने बैठ जाते हैं, टाइम पास हो रहा है आपका, बेहतर और अच्छा टाइम पास हो रहा है। अगर हमारा फंडिंग से आ रहा, हमने कद मने करी, हमारा काना भी फंडिंग से, हमारी सब्जी भी फंडिंग से आती है, हमारे किसान लाओगे गांव से इकट्ठी करके, ट्रैक्टर में लाओगे सब्जी भर के, सारे इनको दे देंगे, किसान भाई बैठ के बना लेंगे। हमारा नाच सब्जी हमारी, नाच हमारा, दूध हमारा, तेल हमारा, चिमनी हमारी, हम सरकार से गैस खरीद के लावे, वो भी फ्री में ना देती। हो गया है कि सरकार इस पे ध्यान भी नहीं दे रही है, बंगाल इलेक्शन पे पूरा ध्यान है सरकार का। तो हमने कद कही कि सरकार हम पे ध्यान दे ले, हमने ना कही है। जब सरकार को लगे कि किसानों पे ध्यान देना दे ले, हम तो आराम से बैठे आंदोलन करें तो परेशानी, टाइम पास करें तो परेशानी, रोटी खाना तो परेशानी। तो भाई एक काम कर लो, अब तो एक चीज बची है, सरकार के पास सल्फास है वो भिजवा दो, और हमारे जो खाना बन रहा है ना उसी में डलवा दो, और सारा किसान मर जाएगा और सरकार अपनी चलाते रहिए, ना रहेगा बस ना बचेगा।